एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर टेलर के एक्सिबिशन का सीन दिखाया जाता है और ये एक्सिबिशन युवा ग्रुप ऑर्गेनाइज करवाता है। फिर हमें इस सीरीज की मेन लीड एक्ट्रेस बू रान को दिखाया जाता है जो उसी एग्जीबिशन में कुछ गार्ड से बचकर भाग रही होती है। फिर हमें मेन लीड एक्टर बताया जाता है जिसका नाम लू चेन यांग होता है और वो वॉशरूम में ही हुआ की प्रेसिडेंट से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है, आपकी कंपनी हमारे एरिया में बहुत बड़ी है लेकिन आप लोग काम कर रहे पार्टनर्स को धोखा देते हैं। फिर वो कहती है, तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे बात करो, और फोन रखने वाली होती है। तभी लू चेन यांग उनके ग्रैंडसन की एक ऑडियो क्लिप सुनाता है जिसमें उनका ग्रैंडसन एक अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही बिल्डिंग को बेचने की बात कर रहा होता है। अब इसी क्लिप की वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल करता है और अपनी सारी शर्तें मानने के लिए फोर्स करता है और उन्हें ये भी कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज आए हुए रिपोर्टर्स को एक और सरप्राइज न्यूज़ मिल जाएगी, और फिर कॉल कट कर देता है। अब उधर बू रान को छुपने की कोई जगह नहीं मिलती, इसीलिए वुमेन्स वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर लू चेन यांग को धक्का देकर वहीं छुप जाती है और उसके पैर ना देख पाएं इसीलिए वो अपने पैरों को भी ऊपर कर लेती है। फिर गार्ड्स वहाँ चेक करके चले जाते हैं लेकिन उन्हें बू रान नहीं मिलती। अब बू रान को इस पोजीशन में खड़ा देख लू चेन यांग शॉक हो जाता है और उसे ही देख रहा होता है। तभी बू रान उससे कहती है, क्या देख रहे हो? तभी लू चेन यांग उसकी वीडियो लेने लग जाता है ताकि वो बच सके। अब बू रान उसका फोन छीनने की कोशिश करती है ताकि वो वीडियो डिलीट कर पाए और उसका फोन लेते टाइम इसी छीना झपटी के बीच बू रान की ड्रेस फट जाती है और तभी लू चेन यांग उससे अपनी जैकेट दे देता है। फिर लू चेन यांग उसे एक चोर समझ रहा होता है कि तब वो कहती है कि मैं चोर नहीं बल्कि मिस्टर टेलर एक असली चोर है। फिर लू चेन यांग उससे अपना फोन मांगता है लेकिन वो देती नहीं है और उसकी वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि अगर उसने वीडियो डिलीट नहीं करा तो वो उस पर हरास करने का इल्ज़ाम लगा देगी। तब लू चेन यांग कहता है कि ये वीडियो देखकर कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, और फिर वो उसको जैकेट पहनने में मदद करता है और इसी बहाने से अपना फ़ोन उससे ले लेता है। अब लू चेन यांग कहता है, जब मुझे तुम पर विश्वास हो जाएगा तब मैं ये वीडियो क्लिप डिलीट कर दूंगा, और इस जैकेट में मेरी कंपनी का कार्ड भी पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव ना हो तो तुम पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकती हो। और जाते टाइम उसे अपना जैकेट वापस करने के लिए भी कहता है। अब जैसे लू चेन यांग बाहर जाता है तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन जिसका नाम मिस्टर यी होता है अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर लू चेन यांग को मारने के लिए आ जाता है क्योंकि उसने उसकी छुप कर वीडियो क्लिप बनाई होती है। फिर उसके आदमी जैसे ही लू चेन यांग पर अटैक करने वाले होते हैं तभी बू रान लाइव स्ट्रीमिंग करती हुई आ जाती है। वो उन लोगों के सामने ऐसा रिएक्ट करती है जैसे बहुत से लोग उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हों, लेकिन असल में सिर्फ 10 लोग ही लाइव देख रहे होते हैं। और अब यी और उसके आदमी अपना फेस उधर कर लेते हैं ताकि वो लोग लाइव में ना आ सकें, और इसी बहाने से बू रान लू चेन यांग को बचाकर अपने साथ ले जाती है। अब फिर लू चेन यांग बू रान से कहता है, तुम्हारे इस बहाने की वजह से आज यी का प्लान बर्बाद हो गया, और फिर पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों करी? तब बू रान कहती है, तुमने मेंस टॉयलेट में मेरी हेल्प करी थी इसीलिए मैंने तुम्हारा फेवर रिटर्न किया है। फिर बाद में लू चेन यांग खुद से उसके फ़ोन में से बू रान का वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है और बू रान वो वीडियो डिलीट कर देती है। अब आगे यी की ग्रैंड माँ उसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तब यी अपनी ग्रैंड माँ से कहता है, मैंने लू चेन यांग को पकड़ लिया था लेकिन तभी वहाँ पर बू रान आ गई और उसने उसकी हेल्प करी। तभी वहाँ पर बू रान आ जाती है और कहती है, अगर तुम उसे पकड़ भी लेते तो उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत थे। अब हमें ये पता चल जाता है कि बू रान भी उन्हीं के फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। फिर ग्रैंड माँ बू रान से पूछती हैं, तुम वहाँ क्या कर रही थी? तभी उसके अंकल मिन क्याई कहने लगते हैं, बू रान ने वहाँ एग्जीबिशन में बहुत बड़ा सीन बनाया था और उसने टेलर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने उनकी डिज़ाइन चुराए हैं और बू रान की वजह से ही पूरा एग्जीबिशन ख़राब हुआ है। फिर ग्रैंड माँ बू रान से कहती हैं, 7 साल पहले तुमने मेरे साथ ट्रिक खेलकर स्टडी लोन के लिए मना कर दिया था, और क्या अब फिर से तू वही गेम खेल रही हो मेरे साथ? तभी बू रान कहती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानती हैं मेरे अंकल मिनक्याई और उनके फैमिली ने मेरे साथ क्या करा? इन्होंने मेरी ग्रेजुएशन होने से पहले ही स्टडी लोन बंद करवा दिया और मेरे सुपरवाइजर को मुझे फ़ीस देने के बहाने मुझे हरास करने को भी बोला था। ये सुनने के बाद उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती हैं, तुम इतनी छोटी सी बात को हैंडल नहीं कर सकती तो तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तभी बू रान उनसे बहस करने लगती है और फिर ग्रैंड माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं कि तभी बू रान की मॉम बीच में आ जाती हैं। फिर उसकी मॉम वहाँ पर सबसे कुछ भी नहीं कहती। तब बू रान कहती है, अगर मेरे डैड को पता होता कि आप सब लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं तो उन्हें अपने डिसीजन पर पछतावा होता। आप सभी अच्छे से जानते हो मेरे डैड जेल में क्यों हैं। उन्होंने यी हुआ को बचाने के लिए ही सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए थे।
अब इसी दौरान बूरान की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन उनके घर वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सभी बूरान और उसकी मॉम को वहीं अकेले छोड़कर चले जाते हैं। अब फिर बूरान अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बूरान को बताता है, आप सही टाइम पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई, इसीलिए अब ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन कुछ दिनों तक हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। अब बूरान अपनी मॉम के पास ही बैठी होती है और उसके पास अपनी मॉम का और इलाज करवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं और वो यही सोच रही होती है कि वो पैसे कहाँ से लेकर आए। फिर नेक्स्ट डे बूरान ग्रैंड माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, मैं जानती हूँ आप लू चेनयांग को पकड़ना चाहती हैं और लू चेनयांग को ये पता नहीं है कि मैं आपकी फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ, इसीलिए उसको पकड़वाने में मैं आपकी हेल्प करूँगी, लेकिन इसके बदले आपको मेरी मॉम के हॉस्पिटल चार्जेस की पेमेंट करनी होगी। अब उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं, ठीक है, लेकिन इस बार अगर तुमने कोई चालाकी करी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी बूरान अंकल मिनकाई और उनके बेटे की तारीफ की तरफ देख कर कहती है, अगर कोई मेरे काम के बीच में नहीं आया तो और जल्द ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का बताया जाता है जहाँ इंडस्ट्री के बहुत से लोग आए होते हैं। वहाँ वो सभी लू चेनयांग के पिन शांग ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लू चेनयांग की एंट्री होती है और सभी लोग उसके पास जाकर उसके पिन शांग डिजाइंस की तारीफ करते हैं। फिर लू चेनयांग उन सभी को ही हुआ ग्रुप का छोड़कर पिन शांग ग्रुप ज्वाइन करने का भी ऑफर देता है। अब वहाँ पर क्यारी नाम की लड़की की एंट्री होती है। क्यारी जब लू चेनयांग को देखती है तो वो मिस्टर लू से कहकर अपना और लू चांग दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर कैरी लू चेनयांग से बहुत इम्प्रेस होती है और उसके साथ काम करने के लिए कहती है और ये भी बोलती है कि वो साथ में मिलकर ये फैमिली को बिजनेस में कंट्रोल करेंगे। तभी वहाँ पर दूसरे सभी लोग बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैरी लू चेनयांग को ड्रिंक के लिए ऑफर करती है। उधर हम देखते हैं कि उसी पार्टी में बूरान भी आ रही होती है, क्योंकि उसने अपनी आंटी को किसी से बात करते सुन लिया होता है और वो लोग लू चेनयांग को बर्बाद करना चाहते थे। बूरान जानती थी कि उसके अंकल की फैमिली बहुत गंदे गेम्स खेलती है और अब लू चेनयांग के पास जाने का बूरान को चांस मिल गया था। अब कैरी लू चेनयांग के लिए ड्रिंक बनाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला भी देती है। वो उससे यह भी कहती है कि तुमने जो प्राइस और बिल्डिंग मटेरियल की जो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, और फिर उसे ड्रिंक देते समय उसका हाथ भी पकड़ लेती है। लेकिन लू चेनयांग कहता है, तुम यहाँ सबसे खूबसूरत हो और मैं तुम्हारा फेवर नहीं ले सकता, नहीं तो मैं यहाँ एनिमी बन जाऊँगा। फिर लू चेनयांग जैसे ही ड्रिंक करने वाला होता है तभी वहाँ बूरान आ जाती है। वो लू चेनयांग से उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। फिर जब वो वहाँ कैरी को देखती है तो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं चेनयांग की फ्रेंड हूँ, लेकिन कैरी उससे हाथ नहीं मिलाती। अब कैरी बूरान के फिगर पर भी कमेंट करती है। तब बूरान कहती है, वुमन की ब्यूटी उसके बाहर के फिगर से नहीं आती। फिर बूरान अपना हाथ लू चेनयांग के शोल्डर पर भी रख लेती है, लेकिन तब भी कैरी वहाँ से नहीं जाती है और लू चेनयांग से ही बात करने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो उसे वापस ड्रिंक करने के लिए भी कहती है और तभी बूरान एकदम से वो ड्रिंक लेकर खुद ही पी लेती है। फिर लू चेनयांग भी कैरी से कहता है, मुझे बूरान को घर ड्रॉप करना होगा, और वो दोनों कैरी को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब फिर कार में जाते हुए बूरान ड्रिंक पीने की वजह से बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। वो लू चेनयांग को भी बहुत परेशान करती है और उसे ज़बरदस्ती किस कर रही होती है। लू चेनयांग उसे अपने से दूर करता है, लेकिन फिर वो उसके पास आकर उसकी टाई खोलने लगती है। फिर तभी लू चेनयांग को याद आता है कि कैरी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। और तभी अचानक से बूरान उसे किस कर लेती है। फिर लू चेनयांग जैसे ही उसके लिए पानी लेने कार से बाहर आता है तो बूरान भी बाहर आ जाती है और तब लू चेनयांग उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। अब घर आने के बाद भी बूरान मान नहीं रही होती है और लू चेनयांग के नेक पर ज़बरदस्ती किस कर रही होती है, जिससे उसके नेक पर किसिस के निशान भी बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बूरान उसी के घर में सो रही होती है। फिर जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसे ऐसा याद आने लगता है कि लू चेनयांग ने उसके साथ कल रात बहुत गलत करा है। फिर वो चिल्लाते हुए उसे बुलाती है और कहती है, मेरी परमिशन के बिना तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आ गए, और अब मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर लू चेनयांग उसे कल रात की वीडियो बताता है जिसमें वो खुद लू चेनयांग के क्लोज जानने की कोशिश कर रही थी और उसने उसके कपड़ों पर वॉमिट भी कर दी होती है, और फिर लू चेनयांग ने उसके ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी दी होती है। अब लू चेनयांग उससे कहता है कि देख लिया ना कि हम में से कौन गलत था, और उसके वॉमिट करते हुए कपड़ों के लिए और एक नाइट उसके घर रहने के लिए उसे कंपनसेशन भी मांगता है। ये सब सुनते ही बूरान बहुत शर्मिंदा होती है। फिर लू चेनयांग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल रात मैं वहाँ था। तब बूरान सोचती है, मैं इससे ये नहीं बता सकती कि मैं ये फैमिली से हूँ। तब वो उससे झूठ बोलती है कि मैंने किसी को छुपकर तुम्हारा वीडियो बनाते हुए देख लिया था और इसीलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, और मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है इसलिए तुम्हें मुझे कॉम्पनसेट करना होगा। तभी लू चेनयांग अपने नेक पर वो किसेस के स्पॉट्स बताता है और कहता है,
मुझे पता होता कि अगर तू मेरे साथ ऐसा करने वाली हो तो इससे अच्छा मैं कैदी के साथ ही चला जाता। फिर बुरान कहती है, मैंने ड्रिंक करी थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। लूचन यांग भी कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें झेला और अब मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी बुरान कहती है, मैंने तुम्हारी वजह से बहुत सैक्रिफाइस करा है और अब मुझे तुम्हारी कंपनी पिनशांग में काम करना है। ये सुनकर लूचन यांग कहता है, ये कंपनी हर किसी के लिए नहीं है और शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश मत करो, और फिर डोर बंद करके अपने घर के अंदर चला जाता है। अब वहाँ बाहर खड़े बुरान सोच रही होती है कि अगर ग्रैंड माँ को पता चल गया कि मैं इस काम में फेल हो चुकी हूँ तो वो मेरी मॉम को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी और मुझे कैसे भी करके पिनशांग ज्वाइन करना ही होगा। आगे हम देखते हैं बुरान पिनशांग कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। फिर वहाँ सभी इंटरव्यूअर्स को टास्क दिया जाता है कि उन्हें एक घर डिजाइन करना है और इसके लिए सभी को एक मिनट का टाइम दिया जाता है, और टाइम खत्म होने के बाद सभी लोग एक एक करके अपने डिजाइन को एक्सप्लेन करते हैं। फिर बारी आती है बुरान की। बुरान बहुत अच्छे से अपने डिजाइन को एक्सप्लेन करती है जिससे उनके डिजाइन सभी को पसंद आती है। उधर लूचन यांग भी ये लाइव अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और वो भी बुरान से इम्प्रेस होती है और कहती है कि हमें बुरान को जॉब पर रख लेना चाहिए। लेकिन तब लूचन यांग कुछ भी नहीं कहता है। अब लूचन यांग की सेक्रेटरी रिजल्ट डिक्लेयर करने जाती है जो इंटरव्यू में पास हुआ है। सबसे पहले वो शाओ ली का नाम लेती है और फिर अपनी फाइल बंद कर देती है। उसी वक्त बुरान बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और तभी सेक्रेटरी दूसरा नाम बुरान का लेती है और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं इंटरव्यू में पास होने के लिए। अब ये सुनते ही बुरान बहुत खुश हो जाती है। आगे बुरान अपने डैड को मिलने जेल गई होती है क्योंकि आज वो जेल से रिहा हो चुके थे। वो जाते टाइम फोन पर अपनी मॉम से भी बात कर रही होती है और उन्हें अपनी न्यू जॉब के बारे में बताती है। अब बुरान जेल के बाहर अपने डैड का वेट कर रही होती है और तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो आते ही बुरान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, मैं पिछले 7 सालों से लॉकअप में था और अब मैं बाहर आ चुका हूँ, इसलिए मुझे बात मसाज और ड्रिंक के लिए पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकूं। ये सुनते ही बुरान पैसे देने से अपने हाथ पीछे कर लेती है। फिर उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम अपने डैड को पैसे नहीं दे सकती। फिर वो कहती है, क्या आपने ये नहीं पूछा कि सिर्फ मैं अकेले क्यों यहाँ हूँ, आपको लेने आई हूँ। तभी उसके डैड कहने लगते हैं, हमारी कार कहाँ पर है। फिर बुरान कहती है, क्या आपको मॉम की चिंता नहीं है कि वो कहाँ है। वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में है, अंकल की फैमिली की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हमें सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर उनसे मिलना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि लूचन यांग हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने आया होता है। डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि आप चाहे जितना भी बिजी हों, सीकी की ट्रीटमेंट के लिए आपको आना होगा और सीकी डेली ट्रीटमेंट की वजह से ही ठीक हो पाएगी। लूचन यांग भी कहता है, मैं सीकी का पूरा ध्यान रखूंगा। अब उसी हॉस्पिटल में बुरान अपने डैड के साथ आ जाती है और तभी लूचन यांग उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है। फिर बुरान और उसके डैड मॉम से मिलने जाते हैं। फिर बुरान वहाँ से चली जाती है ताकि उसके डैड और मॉम अकेले में बात कर सकें। उसकी मॉम बुरान के डैड, जिनका नाम मिंडे होता है, उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, आपने बहुत सफ़र करा है और अब बहुत टाइम बाद हमारी फैमिली एक होने आई है, लेकिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। फिर उसके डैड कह रहे होते हैं कि बुरान ने तुम्हारा इलाज करवाने में बहुत पैसे लगाए हैं, इसलिए वो थोड़े से पैसे मुझे ड्रिंक पीने के लिए नहीं दे पाई। अब उन्हीं के बेटे बुरान, उनकी ये बातें बुरान बाहर खड़ी सुन रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लूचन यांग वहाँ आता है और रूम में देखता है कि उसके डैड भी वहीं सो रहे होते हैं। अब आगे बुरान और उसके डैड घर आते हैं। अंकल मीनासी अपने भाई को देखकर कहते हैं, मिंडे तुम जेल से बाहर आ गए, बुरान ने तो हमें बताया ही नहीं, वरना हम भी तुम्हें लेने आते। फिर उसके डैड मीनाकी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फिर उसके बाद मीनाकी से पैसे मांगते हैं और तब मीनाकी अपनी वाइफ कैक्सिन से कहकर मीनाडी के फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र करवा देता है। फिर उसके डैड के पास जैसे ही पैसे आ जाते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी बुरान अपने अंकल और आंटी को ये भी बताती है कि उसे पिनशांग कंपनी में जॉब मिल चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद बुरान को पिनशांग कंपनी से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके डिज़ाइंस टेलर से सिमिलर हैं और इसीलिए अब आपको जॉब पर नहीं रख सकते हैं। ये सुनकर बुरान को बहुत बड़ा शौक लगता है। उधर हम देखते हैं कि लूचन यांग और उसकी सेक्रेटरी बात कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी पूछती है, आपने बुरान को जॉब से किस रीज़न से निकाला है। तभी वो कहता है, बुरान ये मिंडे की डॉटर है और वो ये फैमिली से है और ये फैमिली का कोई भी पिनशांग कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब आगे बुरान लूचन यांग से बात करने के लिए उसकी कंपनी के बाहर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही लूचन यांग बाहर आता है वो उसके पास जाती है और कहती है, मैंने टेलर के डिज़ाइंस नहीं चुराए हैं, उसी ने मेरे डिज़ाइंस चुराए हैं और जब हम पहली बार मिले मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि मैं इनोसेंट हूँ और अगर इस रीज़न की वजह से तुम मेरा ऑफर कैंसिल कर दोगे तो ये माना नहीं जाएगा। तभी लूचन यांग कहता है, टेलर स्पेस डिज़ाइन का मास्टर है और उसके पास सोशल प्रेस्टीज है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक अच्छी रेपुटेशन भी नहीं।
फिर बू यांग कहती है मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर सकती हूँ और उसे एक मौका और मांगती है, लेकिन लुशन यांग उसकी एक नहीं सुनता और उसे बहुत कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी बू रान के पास किसी का कॉल आता है और वो कहती है तुम आ गए, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है। फिर बू रान उसी से मिलने जाती है जिससे वो कॉल पर बात कर रही होती है और वो बू रान का फ्रेंड क्विन जू होता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है और वो उस टाइम भी किसी को छुपकर रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर जैसे ही क्विन शू का काम खत्म होता है वो किसी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने आपको आपके हस्बैंड के खिलाफ सबूत भेज दिए हैं और मुझे इस काम के बदले पैसे नहीं चाहिए बल्कि कम पैसों में प्रॉपर्टी रेंट के लिए चाहिए है, और कॉल कट कर देता है। अब इसके बाद बू रान क्विन शू से कहती है अगर मैं लुशन यांग के क्लोज जाऊंगी तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर क्विन शू कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं थोड़ा तुम्हारे लिए चिंतित भी हूँ। फिर बू रान कहती है मेरे अंकल और आंटी मुझ पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अब मैं टिन शैंग भी ज्वाइन नहीं कर सकती। फिर वो क्विन शू से ये भी कहती है कि अगर मैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग लुशन यांग के साथ क्लियर कर दूंगी तो शायद वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्विन शू भी कहता है कि एक ना एक दिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्लियर हो जाएगी, तुम बस अपने मन को शांत रखो। अब आगे बू रान लुशन यांग के अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग एरिया में उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही लुशन यांग वहां आता है बू रान कहती है आज तुम अपने वर्क से बहुत जल्दी आ गए। फिर लुशन यांग कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तभी वो उसका जैकेट रिटर्न करती है। फिर वो कहती है तुम यहाँ सिर्फ ये मेरा जैकेट रिटर्न करने आई हो। तब लू उसके हाथ में सामने देखता है और बू रान कहती है तुम मेरा सामान शिफ्ट करने में हेल्प करोगे और वो तुम्हारी जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर लू कहता है क्या तुम मुझे टारगेट कर रही हो और यहाँ के रेंट बहुत ज़्यादा है, शायद तुम्हारा प्लान बहुत बड़ा है। बू रान कहती है बिल्कुल सही, शायद तुम मेरे डिज़ाइन एबिलिटीज़ को जान पाओ और क्या पता पिन शैंग का काम करने के लिए मुझे फिर से मौका मिल जाए, और एक अच्छे पड़ोसी बहुत कीमती होते हैं। अब बू रान लू का सामान पकड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन लू उसे ऐसा करने नहीं देता, वो उसके लिए एलिवेटर भी रोकती है। ये सब देखकर लू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अब बू रान का घर भी बिल्कुल लू के घर के पास वाला होता है। फिर बू रान अपने घर के अंदर जाती है तो लू को पीछे मुड़कर देखती है और फिर अपना डोर बंद कर देती है। फिर जैसे ही लू अपने घर के अंदर जाने वाला होता है बू रान फिर से अपना डोर खोलकर लू को स्माइल देती है जिससे लू जल्दी से अपना डोर बंद कर लेता है। अब आगे बू रान क्विन शू से बात कर रही होती है और कहती है मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मैंने लू की तरफ ही नहीं बल्कि उसके सामने सिंसियरिटी भी दिखाई है। उधर लू भी अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है और कहता है बू रान बिल्कुल अपने डैड की तरह ही है। फिर बू रान क्विन शू से कहती है जब लू कहती है लू जब मुझे एम्प्लॉय बनने के बाद हार्ड वर्क करते हुए देखेगा तो मुझे मुझसे बहुत इम्प्रेस होगा। तभी क्विन शू कहता है तुम बहुत जल्द ही सक्सेस करोगी, लेकिन तभी बू रान कहती है लू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मेरे लिए ये इतना आसान नहीं होगा। फिर लू की सेक्रेटरी उससे कह रही होती है कि तुम उसे डायरेक्टली जाकर कह क्यों नहीं देते कि वो ई फैमिली से है और इसीलिए तुमने उसे जॉब से निकाला है। तब लू कहता है कि वो आखिर ली फैमिली की बेटी है और बिल्कुल शेमलेस है और हर किसी को अपने काम की कीमत चुकानी होगी। तभी वो दोनों बातें करते करते अपनी अपनी बालकनी में जाते हैं और बू रान लू को हाय करती है लेकिन लू उससे परेशान होकर अंदर चला जाता है। फिर बू रान सोचती है अगर मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे लू को कुछ करके दिखाना ही होगा। तभी उसे आइडिया आता है और वो अपना पूरा घर खुद ही रेनोवेट कर देती है और रेनोवेट होने के बाद उसका घर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा होता है। तभी वो अपने डिज़ाइंस को पेपर पर ड्रॉ करके अपनी बालकनी में लगा देती है ताकि लू वो डिज़ाइंस देख पाए और इसी दौरान उसके कपड़े उड़कर लू के घर में चले जाते हैं। अब बू रान बहुत परेशान होती है और एक स्टिक की हेल्प से अपने कपड़े लेने की कोशिश करती है और तभी लू उसे देख लेता है और बू रान नर्वस हो जाती है और अपने कपड़े भी नहीं ले पाती। फिर बू रान उससे अपने कपड़े मांगती है और तभी लू उसके कपड़े बिना टच करे एक पॉलिथिन की हेल्प से उठाकर उसे दे देता है और गुस्सा करके वहां से चला जाता है। वो बेचारी बू रान की बनाई हुई डिजाइंस को भी नहीं देखता और बू रान बस उसे आवाज ही लगाती रह जाती है। आगे हम देखते हैं बू रान और क्विन शू साथ में होते हैं। बू रान काफी ज्यादा अपसेट होती है और क्विन शू से कह रही होती है कि अगर लू मेरे डिजाइंस देख लेता तो शायद उसका मूड बदल सकता था, लेकिन उसने मेरे डिजाइंस को देखा तक नहीं। फिर क्विन शू कहता है अगर लू को मनाना है तो तुम्हें एक प्रोजेक्ट करना होगा जिसमें जिससे तुम फेमस हो जाओ और फिर लू तुम्हें इग्नोर ना कर पाए, और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर क्विन शू उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और कहता है जब मेरी मॉम जिंदा थी तब उन्होंने ये अपार्टमेंट मेरे लिए खरीदा था और मेरे डैड एक आर्किटेक्चरल डिजाइनर हुआ करते थे। तब बू रान कहती है अच्छा तुमने अपने डैड की झलक मेरे अंदर दिखाई देती है, शायद इसीलिए तुम मेरे फ्रेंड हो। फिर क्विन शू उसे अपना ये घर रिनोवेट करने के लिए कहता है और बू रान भी मान जाती है। फिर क्विन शू उसे एक अनाथ आश्रम के बारे में बताता है जहां वो हमेशा डोनेट करता है और कहता है वो जगह बहुत पुरानी हो चुकी है और उसे रिनोवेशन की जरूरत है और पिंग शैंग इसे रिनोवेट करवाने में काफी इंटरेस्टेड नजर आ रही है। और ये सुनते ही बू रान भी
वहाँ उसके साथ कल जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे लू भी उसी अनाथ आश्रम में आया होता है। फिर वो वहाँ एक बेंच को देखते हैं और तब उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जब वो बच्चा हुआ करता था। वो उस टाइम उस बेंच पर बैठा होता है और एक आदमी भी उसके पास होता है और लू से कह रहा होता है, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा और जब तुम वो सारी चीज़ें सीख जाओगे तो उस अनाथ आश्रम के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। फिर वो आदमी लू से उसकी फेवरेट लॉलीपॉप का फ्लेवर भी पूछता है और तब लू भी उसके साथ कंफर्टेबल नजर आ रहा होता है। अब यही सारी बातें सोचकर लू उस बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर उसे याद आता है उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो मर चुका था और लू उन्हें डैड डैड कह रहा होता है। और तभी वहां पर ये हुआ कि कुछ मैगजीन बड़ी होती है, तभी अचानक से लू को अनाथ आश्रम के अंदर से बच्चों की आवाज आती है और वो कह रहा होता है, आप रुक क्यों गई? दरअसल वहां पर बुरान आई होती है और उसने लू को देख लिया होता है और उससे छुपने के लिए वो अपनी शू लेस बांध रही होती है। फिर लू उसके पास चला जाता है और तब बुरान उससे कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, हम आपस में मिल गए, अगर मुझे पहले पता होता तो हम दोनों यहाँ साथ में आते। फिर लू कहता है, क्या सच में? मुझे पता है तुम यहाँ रेनोवेशन की बात सुनकर आई हो और मुझे लगता है तुम्हें इस काम से गिवअप कर देना चाहिए, और जो लोग दूसरों के डिजाइन चुराते हैं वो इस जगह पर डिजाइनर का काम करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तभी बुरान गुस्से में कहती है, क्वालिफिकेशन लोगों की स्किल से आती है ना कि तुम्हारे मुंह से। आगे हम देखते हैं कि बुरान नाराज होकर अंदर सभी बच्चों के पास चली जाती है, वहाँ पर क्वीन शू पहले से ही होता है। फिर क्वीन शू बुरान से पूछता है कि क्या तुम लू से मिली थी, वो कहती है कि हाँ, और लू की बुराइयाँ करने लगती है। फिर वो सभी बच्चे क्वीन शू और बुरान को जबरदस्ती अपने साथ डांस करवाने ले जाते हैं। वो सभी और बुरान उनके साथ डांस कर रही होती है, तभी वहाँ पर लू आ जाता है और बुरान को ही देख रहा होता है। फिर वो उसे देख कर अजीब सा फेस बनाती है और अपना डांस कंटिन्यू करती है। तभी वहाँ लू के पास उस अनाथ आश्रम की डायरेक्टर आ जाती है और लू से कहती है कि क्वीन शू एक स्पॉन्सर है और उसकी फ्रेंड बुरान एक बहुत अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है और वो यहाँ पर रिनोवेशन के लिए आई है। तब लू कहता है, मैं जानता हूँ और आपको इतना जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर डायरेक्टर कहती है, बुरान अच्छी है, उसने सभी बच्चों की बातें मानी है और बच्चे भी उसे पसंद करने लगे हैं। तभी बुरान लू और डायरेक्टर दोनों को आपस में बात करते हुए देख लेती है और सोचती है आखिर ये क्या बात कर रहे हैं, और फिर लू और डायरेक्टर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब घर आने के बाद लू बुरान की दी हुई एक ड्रॉइंग को देख कर उसे याद कर रहा होता है कि तभी उसकी सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है। वो लू को बताती है कि ये हुआ टेलर के साथ अपना कोई प्रोजेक्ट करने वाली है और उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। फिर उसकी सेक्रेटरी ये भी बताती है कि बुरान ने टेलर को अपमानित करा था और इसी वजह से उससे ग्रेजुएशन होने से पहले ही एकेडमी से निकाल दिया गया था। तभी लू कहता है, बुरान बहुत परेशान करने वालों में से है और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि उसने अपने टीचर को नाराज कर दिया था, और अभी सबसे जरूरी यही बात है कि हमें पता लगाना होगा कि ये हुआ और टेलर कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अब आगे अंकल मिनकाए अपने बेटे को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो ड्रिंक करके आया होता है और कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें ग्रैंड माने नहीं देखा। फिर वो अपने बेटे से पूछते हैं, टेलर ने तुम्हें क्या जवाब दिया? तब वो बताता है कि टेलर ने कहा उससे बहुत सी कंपनीज अप्रोच कर रही हैं, इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेकर हमें जवाब देगा। तभी उसके डैड कहते हैं, ऐसा कौन है जिसकी नज़र ई हुआ पर है? फिर उनका बेटा कहता है, मुझे लगता है इसके पीछे लू है और ऐसा लगता है बुरान उसके क्लोज है और वो ही उसकी हेल्प कर रही है और इसी वजह से लू टेलर के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वो दोनों बुरान जिस अपार्टमेंट में रह रही होती है उसको वहां से निकालने का प्लान बनाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बुरान अपने घर में रेनोवेशन के लिए ड्रिल का काम कर रही होती है और उधर लू अपने घर में सो रहा होता है, इसीलिए उसकी नींद खराब हो जाती है। और फिर वो बुरान को कॉल करके कहता है कि तुम 8 बजे से पहले रेनोवेशन का काम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तभी बुरान उससे कहती है, एक बार अपनी घड़ी चेक कर लो, 10 बज चुके हैं और तुम मेरे लैंडलॉर्ड नहीं हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तभी बुरान के घर की डोरबेल बजती है और वहाँ एक डीलर आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि ये घर लैंडलॉर्ड ने बेच दिया है। और तब बुरान कहती है, लेकिन मैंने तो घर का रेंट दे दिया था। फिर वो डीलर उसे बताता है कि अगर आप जल्द से जल्द ये घर खाली कर देंगी तो लैंडलॉर्ड आपका रिफंड ही नहीं बल्कि आपको पेनाल्टी फीस भी देगा, और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको सिर्फ बचा हुआ रेंट ही मिलेगा। फिर बुरान क्वीन शू को कॉल भी करती है लेकिन वो भी इस मामले में उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। फिर वहाँ पर लू आ जाता है और उस डीलर से पूछता है, क्या ये घर सेल के लिए है? फिर वो डीलर कहता है, हाँ, और अब ये घर सेल हो चुका है। तब लू उसे ऑफर करता है और कहता है कि अपने लैंडलॉर्ड से जाकर कहना मैं आपको इस घर का 5% कमीशन दूंगा, और फिर इस डील को फिक्स करने के लिए अपना कार्ड भी उसे दे देता है। अब डीलर के जाने के बाद लू बुरान से कहता है, अब बहुत जल्द मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड भी बन जाऊंगा। फिर बुरान उसे गुस्से में कहती है, जब तुम्हें घर मिल जाए तब शो ऑफ करना। और जैसे ही घर के अंदर जाने वाली होती है तभी लू के पास उस लैंडलॉर्ड का कॉल आ जाता है और वो लैंडलॉर्ड और कोई नहीं टेलर ही होता है। टेलर कॉल पर लू से कहता है, हम ये हुआ
के बदले पिनशांग से ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं और मैं चाइना आपसे मिलने और आपके साथ कॉफी पीने जल्द ही आ रहा हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर बुरान को शौक लगता है और लू उसे बताता है कि मैंने प्रोफेसर टेलर को पहले ही कॉन्टैक्ट कर लिया था और तुम उनकी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें तो पता ही होगा वो एक कितने अच्छे डिजाइनर है और इसीलिए अब तुम उस अनाथ आश्रम वाले प्रोजेक्ट पर से गिव अप कर दो। अब बुरान सिर्फ चुपचाप उसकी बातें सुनती है और उसे कुछ नहीं कह पाती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर बुरान अपने डिजाइन लेकर टेलर के पास गई होती है। टेलर उसे कह रहा होता है कि मैं जानता हूं तुम्हें स्टूडेंट लोन में बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये सुनकर बुरान बहुत खुश हो जाती है और टेलर को थैंक्स कहती है। फिर टेलर कहता है तुम्हारी फैमिली यी ने हमेशा मुझ पर फेवर करा है और तुम्हारे अंकल ने भी चाइना में एग्जीबिशन में मेरी हेल्प करी है और मैं ये भी जानता हूं कि उन सभी का बर्ताव तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और मैंने उनसे प्रॉमिस करा है अगर तुम मेरी गर्ल बन जाओगी तो वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और तभी टेलर बुरान के क्लोज जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। तभी बुरान कहती है आप बहुत बदतमीज हो और आपने एक गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। फिर बुरान बहाने बनाकर उनसे ये कहती है आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसीलिए जाकर शावर ले लो, मैं यहाँ वेट करूंगी। फिर वो जैसे ही अंदर शावर लेने जाता है बुरान तभी वो सारे डिजाइन को जला देती है। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू अनाथ आश्रम आया होता है और वहाँ के डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। उसने रिनोवेशन के लिए टॉप डिजाइनर को कह दिया होता है और डायरेक्टर को ये भी बताता है कि बुरान ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं बुरान वहीं होती है और रिनोवेशन के लिए अपना काम कर रही होती है। फिर वो डायरेक्टर भी बुरान की साइड होती हैं और उसी की तारीफ करती हैं। अब फिर लू बुरान के पास जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई। तभी बुरान उसे गुस्से से देखती है और उसके पास जा ही रही होती है तभी अचानक से मुड़ने की वजह से वो गिर जाती है और लू अपना हाथ आगे लगाकर उसका फेस बचा लेती है लेकिन बुरान ने अपने ही माउथ को काट लिया होता है। अब लू अंदर ले जाकर उसके माउथ में दवाई लगाता है। फिर लू बुरान से एक बार फिर से यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन बुरान कहती है तुम मुझे लेक्चर मत दो, मैं जानती हूँ तुम टेलर के साथ हो और ये रिनोवेशन एक टेंडर के अंदर है, तुम्हें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिल सकते हैं और मेरी गारंटी है तुम टेलर के साथ जीत नहीं सकते हो, अगर तुम मेरी हेल्प लोगे तो तुम्हारी जीतने की गारंटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन लू उसकी हेल्प लेने से साफ मना कर देता है। फिर वो उससे ये भी बताता है कि अनाथ आश्रम के बच्चे अच्छे से जानते हैं कि कौन सा डिजाइनर उनकी सारी इच्छा को पूरी कर सकता है लेकिन फिर भी लू उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ बहस करके वहाँ से चला जाता है। अब लू के जाने के बाद वहाँ एक बच्ची बुरान के पास आती है और उसे बताती है कि अंकल लू एक बहुत अच्छे इंसान है और वो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और सब बच्चे भी लू से बहुत क्लोज थे। और तभी बुरान को भी समझ आ जाता है कि लू ये सब इन बच्चों के लिए खातिर ही कर रहा है। आगे हम देखते हैं क्विन शू लाओ शू के रेस्टोरेंट में काम करने आया होता है। फिर वो लाओ शू को अपने डैड के बारे में बताता है और कहता है मेरे डैड भी अक्सर इस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आया करते थे। तब लाओ शू कहता है मेरा तो शुन सरनेम का कोई दोस्त नहीं था। तब वो बताता है कि मैं अपनी मॉम का सरनेम यूज करता हूँ, मेरे डैड का सरनेम तो लू है। अब तभी उस रेस्टोरेंट में लू आ जाता है, उसके यहाँ के ओनर लाओ शू के साथ पहले से दोस्ती होती है। फिर लू उन्हें बताता है आपके रेस्टोरेंट में मेरा एक बहुत बड़े डिजाइनर के साथ मीटिंग है और उन्हें कॉफी बहुत पसंद है इसीलिए मैं यहाँ कॉफी सेलेक्ट करने आया हूँ। फिर लाओ शू यू को कहता है कि आज ही हमारे रेस्टोरेंट में न्यू कस्टमर आया है, तुम कॉफी के आइडियाज के बारे में इससे पूछ सकते हो। फिर लू जैसे ही क्विन शू को देखता है तो उसे याद आ जाता है बुरान के साथ जो अनाथ आश्रम में आया था वो यही था। फिर क्विन शू लू के लिए कॉफी बनाता है और लू को भी वो कॉफी काफी पसंद आती है। फिर क्विन शू उससे इस कॉफी के पीछे की एक बैक स्टोरी सुनाता है और वो स्टोरी एक अबैंडन्ड बच्चे की होती है। तभी लू कहता है तुम्हारी कॉफी तो अच्छी है लेकिन ये स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिर क्विन शू कहता है लगता है तुम्हारी फैमिली एकदम परफेक्ट है। तब लू कहता है मेरे डैड मुझे अनाथ आश्रम से घर लाए थे तब मैं परफेक्ट हो गया था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। इस बात पर लू शू कहता है तुम्हारे डैड बहुत अच्छे थे। अब फिर वहां से जाते टाइम लू क्विन शू से पूछता है क्या तुम बुरान के बॉयफ्रेंड हो। इस पर वो कहता है नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी लू कमेंट करता है अच्छा तो तुम बैकअप गाय हो। ये सुनते ही क्विन शू कहता है क्या तुम कभी किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आए हो। फिर लू उसे बताता है कि जिस अपार्टमेंट में बुरान रह रही है वो मैंने खरीद लिया है और मैंने अभी तक उसे वहां से बाहर नहीं निकाला है और इस बात पर तुम ही गैस कर लो क्या ये मेरी काइंडनेस है और इसके पीछे मेरा कोई और इरादा है। और फिर वो वहां से चला जाता है। आगे क्विन शू के पास किसी का कॉल आता है और उसे टेलर के बारे में कोई बात पता चलती है। फिर क्विन शू बुरान को कॉल करता है और पहले उसे अपने न्यू जॉब के बारे में बताता है। बुरान उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है फिर वो उसे टेलर के बारे में न्यूज देती है। वो बुरान को बताता है कि टेलर की गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने अपनी डेट कैंसिल कर दी है और अब वो कल चाइना आ रही है।
और ये भी बताता है कि लू आज इस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आया था और शायद वो टेलर से मिलने की तैयारी कर रहा है। फिर बू रैन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर टेलर ई हुआ को छोड़कर न्यू कंपनी पिन शैंग की हेल्प क्यों कर रहा है। तब लू कहता है, तुम इस मैटर से बाहर ही रहो और इंजॉय करो। तभी बू रैन को उस अनाथ आश्रम वाली बच्चे की बात याद आ जाती है जो लू की बहुत तारीफ करती है। और फिर बू रैन कहती है, शायद लू बाहर से ही सख्त दिल और अंदर से उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर टेलर ने ये काम करा तो वो ज़रूर ये प्रोजेक्ट बिगाड़ देगा। फिर बू रैन क्विन से कहकर ये भी पता लगाने को कहती है कि टेलर कल यहाँ कितने बजे आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि टेलर लू से मिलने चाइना आ गया होता है। तभी वहाँ पर बू रैन का कजिन यी शी ही भी होता है और वो अपने डैड को कॉल करके बताता है कि लू के लिए हमने जो गिफ्ट तैयार करा था वो उसके पास पहुँच चुका है। और अब ऐसा लग रहा था कि लू को फंसाने के लिए ये कोई यी फैमिली की चाल है। अब वहाँ पर मास्क लगाए हुए बू रैन की एंट्री होती है और यी सीहे उसे पहचान लेता है। फिर बू रैन वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ लू और टेलर की मीटिंग चल रही होती है और उन लोगों से दूर बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। फिर बू रैन जैसे ही टेलर को देखती है तो उसे पास याद आ जाता है जब टेलर उसका गला दबाकर उसे मारने वाला होता है और कह रहा होता है कि तुमने ही मेरे घर में आग लगाने की कोशिश करी है और तुम क्या जानती नहीं हो कि मैं जीनियस हूँ। और तभी बू रैन वहीं बेहोश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।